हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपकी लाइफ में है एक छोटा सा क्यूटी पाई जिसका डायपर बदलने के लिए आपको रात रात भर जागना पड़ता है तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ रिव्यू मैमी पोको किड्स पैंट्स को, जो स्पेशली रात में यूज करने के लिए बनाए गए हैं। इन पैंट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गर्ल्स के लिए अलग से आते हैं और बॉयज के लिए अलग से आते हैं। दिस पर्टिकुलर वन इज फॉर बॉयज और इसमें मिलते हैं आपको टोटल 14 डाइपर्स, यानी कि आप इन्हें 14 नाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये डायपर 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, बट मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कोई डायपर चूज करते हैं तो वो वेट के अकॉर्डिंग ले। जैसे कि मेरा बेबी अभी 2 ईयर्स का नहीं है, बट वेट के अकॉर्डिंग उसके लिए ये डायपर्स फिट बैठते हैं और रियलिटी में भी वो उसको फिट आते हैं, लूज नहीं होते हैं। तो अगर आपका बेबी 12 से 17 केजी के बीच में है तो ये आप पैंट्स चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन पैंट्स का रिव्यू। सबसे पहले हम करते हैं बात इन डायपर्स के प्राइस की। ये डायपर्स आपको 299 में 14 मिलते हैं, इट मींस एक सिंगल डायपर आपको 21 रुपीज का पड़ता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर लगेगा, बट अगर इस डायपर को पहनने के बाद पूरी रात आपका बेबी चैन से सोता है तो आई थिंक 21 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है। चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी वो है इस डायपर की डिजाइन। आप देख सकते हैं इस डायपर के फ्रंट और बैक पर कार्स बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि बॉयज कार के लिए कितने क्रेजी होते हैं, तो ये कार की प्रिंट प्लस ये ब्लू कलर इस डायपर को टोटली बॉयश लुक देता है। जब मेरा बेबी इसको पहन के पूरे घर में दौड़ता है बहुत क्यूट लगता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपका बेबी भी उतना ही क्यूट लगने वाला है। जब भी आप एक डायपर चूज करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका ये बैंड किस क्वालिटी का है। यूजुअली हम इस पार्ट को अवॉइड करते हैं, बट बिलीव मी अगर आप एक ऐसा डायपर लेते हैं जिसका ये वेस्ट बैंड टाइट है तो आपका बेबी इरिटेट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी डायपर में एक तो होता है वेस्ट बैंड और दो ये होते हैं थाई बैंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी क्वालिटी पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये टाइट रहा तो उसके निशान बेबी के वेस्ट पे रहेंगे, या फिर अगर थाई पर वो टाइट है तो बेबी को थाइस पे इरिटेशन होने वाली है। तो जब भी आप कोई डायपर चूज करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये जो बैंड है ये स्ट्रेचेबल या बोले स्ट्रेची होना चाहिए ताकि उसकी वेस्ट और थाई पर अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गैप है, तो अगर आपका बेबी चबी है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर बात करें इस बैंड के अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी इस पर्टिकुलर डायपर के ये बैंड्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बेबीज को कोई इरिटेशन नहीं होने वाली है। चौथी चीज़ जो एज अ मदर आप किसी भी डायपर में देखते हो वो है कि इसको टेयर ऑफ करना कितना इजी है, यानी कि जब आपको उसको उतारना हो तो उसे ये साइड्स को फाड़ना कितना इजी है। मैंने कुछ डायपर में नोटिस किया है कि उसको फाड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वो कभी कभी मैसी हो जाता है, बट इस डायपर को टेयर ऑफ करना बहुत ईजी है। अब हम करते हैं बात डायपर के मटेरियल की क्वालिटी की। तो अगर अपर साइड से देखा जाए तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन अपर साइड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डायपर का अंदर से सॉफ्ट होना। ये देखिए, ये जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन के क्लोथ के जैसे। तो अगर आपका बेबी इसको समर्स में पहनता है तो उसको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी डायपर लें तो ज़रूर चेक करें कि अंदर से वो कितना सॉफ्ट है। अगर डायपर आपको थोड़ा सा भी रफ लगता है तो प्लीज़ अपने बेबी के लिए ना लें। अब तक मैंने इन डायपर के बारे में जो भी कुछ नोटिस किया है उससे मैं ये कहूँगी
कि मैं इन डायपर्स से बहुत खुश हूँ, लेकिन किसी भी डायपर का रियल एफिशिएंसी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो एज पर ब्रांड ये पर्टिकुलर पैंट्स या डायपर्स स्पेशली नाइट के लिए बनाए गए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरी रात आपके बेबी का जो पी है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। मैंने उनकी वेबसाइट पर भी देखा था, वहाँ पर मेंशन किया है कि ये अप टू 500 ml तक सोख सकता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर सकता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं ये कितना सही है। मैं यहाँ पर 500 ml तो नहीं, बट 1 कप पानी डालकर देखने वाली हूँ कि ये कितना एफिशिएंट है, या ये जो प्रॉमिस करता है उस पर ये कितना खरा उतरता है। तो अब मैं इस 1 कप पानी को इस डायपर पे डाल लूँगी। मैंने सारे पानी को इस डायपर में डाल दिया है। अब हम 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं पूरे, ये देखिए डायपर कितना हेवी हो गया है। अब मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से चेक करूंगी कि इस डायपर ने पानी को एब्जॉर्ब किया है या नहीं। ये रहा टिश्यू पेपर जिसे मैं यहाँ पर प्रेस करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी पानी नहीं दिखाई देगा, इट मीन्स इस डायपर ने पानी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। हाँ, मैं इस डायपर से बहुत खुश हूँ और आप सबको इसे रिकमेंड करूँगी। बहुत भारी हो गया है, मैंने इसमें 300 ml पानी डाला था जो इसने कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन के मामले में ये डायपर बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक ऐसा डायपर देख रहे हैं जो काफ़ी हैवी अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, या ये बोले पूरी रात आपको बेबी को टेंशन फ्री सोने देगा। 5 मिनट हो गए हैं पूरे, ये देखिए डायपर कितना हैवी हो गया है। अब मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से चेक करूँगी कि इस डायपर ने पानी को एब्जॉर्ब किया है या नहीं। ये रहा टिश्यू पेपर जिसे मैं यहाँ पर प्रेस करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी पानी नहीं दिखाई देगा, इट मीन्स इस डायपर ने पानी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। हाँ, मैं इस डायपर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखिए कितना भारी हो गया है, क्योंकि इसने अप्रॉक्सीमेटली 300 ml वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर आप एक ऐसा डायपर देख रहे हैं जो पूरी रात आपके बेबी को चैन से सोने दे, तो इस डायपर को डेफिनेटली ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपको पसंद आने वाला है। मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक मदर का ऑनेस्ट रिव्यू है। ये एक अटेम्प्ट है दूसरी मदर्स को हेल्प करने के लिए जो एक अच्छा डायपर देख रहे हैं।